If I take a ratio between the adjacent side and the hypotenuse side of a triangle, we call that ratio the cosine of that angle A. याद रहे हम उस एंगल को फोकस करेंगे जिसके थ्रू हमने वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, या वो जो हमारे पास जो है अक्यूट एंगल हो, उस रेशियो का नाम ने क्या रखा, वी कॉल इट दी कोसाइन. इफ आई टेक अ रेशियो बिटवीन द ऑपोजिट साइड एंड द एडजेसेंट साइड, वी कॉल दैट रेशियो द टेंजेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल ए. तो हमारे पास जब ये तीनों रेशियोज आते हैं, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? एक हमारे पास शॉर्टकट है जिसको हम कहते हैं सोप का एंड टो. सोप का एंड टो, यहाँ पे एस से मुराद, एस मीन्स बेसिकली S is the sign O is the opposite H is basically the hypotenuse. I'm going to write it short here. Then C is basically nothing but the cos or the cosine so here C is the cosine, A is the adjacent, and H is the hypotenuse. Similarly, the T here is basically the tan or the tangent. O is the opposite. And A is the adjacent. बेसिकली वट इज दिस ऑल, आई होप के समझ में आया हो. अगर नहीं भी आया तो मैं उसको रिकॉल करवा रही हूँ. हमने स्टार्ट लिया था बेसिकली पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल. हमने तीन तरह की साइड्स देखी थी. वन वॉज दी हाइपोटेनियस, दैट वॉज दी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ माई ट्राइंगल. देन वी हैव दी ऑपोजिट, वो साइड जो कि एक पर्टिकुलर एंगल के ऑपोजिट, हमने कोई भी एंगल चूज किया अक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में, और वो साइड जो उस अक्यूट एंगल की बिल्कुल ऑपोजिट होगी या बिल्कुल सामने होगी उसे हम बोलेंगे ऑपोजिट. वो साइड जो बिल्कुल इस उस अक्यूट एंगल बिल्कुल बराबर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड बोलेंगे. फिर हमने बात की कि लेट्स सपोज मुझे कहा जाए कि मुझे एक ट्राइंगल बनाना है. मैंने आपसे कहा कि भाई हम उसमें एक एंगल जो होगा उसे हम रखेंगे 90 डिग्री और हम दूसरा एंगल चेंज करते रहेंगे. लेकिन याद रहे कि वो एंगल हमारे पास एक अक्यूट एंगल होगा. मैंने अभी आपको दो मरतबा एग्जाम्पल से दिखाया था एंगल ए विच वॉज 30 डिग्री. अगर हम चाहे 30 डिग्री रखें, 40 डिग्री रखें, तो हमें उसकी एंगल्स या उसके साइड्स अगर पता लगाने हैं तो मुझे पहले वो ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा. ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद उसके एंगल्स कैलकुलेट करने होंगे, उसकी साइड्स नापने होंगी, फिर जाके मेरे पास उसकी साइड्स आएंगी. तो क्या मैं हर ट्राइंगल के लिए यही काम करूँगी? इट विल बी क्वाइट लॉन्ग. तो हमने ये इन्वेस्टिगेशन की कि अगर एक या दो या तीन चार लोग एक ही ट्राइंगल को ड्रॉ करें और अगर हम उनके साइड्स के रेशियोज़ निकालें तो हमारे पास उनके साइड्स के रेशियोज़ बिल्कुल सेम आ रहे थे. साइड्स तो अलग अलग थी लेकिन उनके साइड्स के रेशियोज़ सेम आ रहे थे. तो हमने कंक्लूड करते हुए तीन तरह के रेशियोज़ निकाले. एक है साइन रेशियो. बेसिकली क्या होता है, अगर हम अपने ट्रायंगल की जो हमने प्लॉट किया, जो हमने बनाया है, अगर हम उसके ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज साइड को अगर डिवाइड करें तो वो रेशियो
जो हमारे पास आएगा, और अगर हम एडजेसेंट साइड और उसकी हाइपोटेन्यूज साइड को अगर हम डिवाइड करें जो हमारे पास वो रेशो आएगा, और अगर हम ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड को हम लोग डिवाइड करें जो हमारे पास वहाँ से रेशो आएगा, ये तीनों के तीनों रेशो आपस क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। अगर हम ऑपोजिट साइड और अगर हम हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करते हैं तो उस रेशियो का नाम हम लोगों ने क्या रखा है, साइन रखा है। याद रहे व्हेन एवर वी आर फाइंडिंग द रेशियो बिटवीन द ऑपोजिट एंड द हाइपोटेन्यूज साइन वी कॉल इट द साइन ऑफ दैट एंगल ए, यानी वो एंगल ए जिसकी बिना पे हमने इन साइड्स को नाम दिए हैं या जो हमारे पास एक्यूट एंगल जो चूज किए एडजेसेंट साइड। और जब भी हम एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जब भी हम रेशियो निकालेंगे वी कॉल इट को साइन ऑफ एंगल ए। ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट इज नोन एज दी टेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसको याद करने का आपको तरीका मैंने बताया, दैट इज बेसिकली दी सो कैह एंड टो। आप सबको होगा बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले जो आपको मैंने एग्जांपल करवाई थी एंगल प्लॉट करने वाली या ट्रायंगल बनाने वाली, सबसे पहले आप वो ट्रायंगल बनाने वाली एक्टिविटी करेंगे, ठीक। उसके बाद आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसको लेबल करेंगे और तीनों के तीनों रेशियोज लिखेंगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे प्रैक्टिस नाउ का सवाल आ रहा है उसको आप सब सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस नाउ नंबर वन सब सॉल्व करेंगे, फाइन। और यहाँ पे प्रैक्टिस नाउ नंबर वन सब सॉल्व करेंगे, टू और थ्री अभी आप लोग नहीं करेंगे। फिर जो आपका होमवर्क होगा आप ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जैसे ट्राइंगल डी ई एफ आप लोग ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल डी ई एफ आप लोग ड्रॉ करेंगे। एंगल डी आप लोग रखेंगे 20 डिग्री और एंगल एफ आप लोग रखेंगे 90 डिग्री। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सिमिलरली आप लोग ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल जी एच आई एंगल जी आप लोग रखेंगे 90 डिग्री, एंगल आई आप लोग रखेंगे 40 डिग्री। जब आप ये तमाम के तमाम एंगल्स ड्रॉ कर ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे तो आप हर साइड को लेबल करेंगे, स्केल से नापेंगे और उनकी मेजरमेंट्स लिखेंगे, तमाम एंगल्स भी फाइंड करेंगे। और ये होमवर्क करने के बाद आप लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन रेशियोज़ के ज़रिए साइड्स और एंगल्स फाइंड करेंगे। आई होप द क्लास वॉज वेरी क्लियर टू यू। सो बट इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट काइंडली क्लैरिफाई, मैसेज मी माई व्हाट्सएप नंबर और जस्ट डू दी होमवर्क एंड सेंड मी द स्नैप्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।